इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास सेवेंथ की पोयम। पोयम नेम है पोयम ऑफ द वन वर्ल्ड। तो स्टार्ट कर लेते हैं। मैं आपको ये पोयम हिंदी में डिटेल में समझाने वाली हूँ और बता दूँ कि आपके ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स जो है मेरे चैनल पर अवेलेबल है। अगर आपको बाकी की वीडियोज़ भी देखने हैं तो प्लेलिस्ट में चैप्टर्स अवेलेबल, आप प्लेलिस्ट चेक करके अपने क्लास वाइज देख सकते हैं। तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं हम पोयम। इन दिस पोयम वी एक्सपीरियंस अमेरिकन पोएट मैरी ओलिवर्स स्ट्रॉन्ग एंड टचिंग परसेप्शन ऑफ नेचर। तो यहाँ पे इस पोयम में एक अमेरिकन पोएट है जिनका नाम है मैरी ओलिवर्स। तो उनका जो एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने एक होता है ना एक्सपीरियंस करना, वो उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया है। और उस एक्सपीरियंस के बाद उन्होंने एक नेचर से रिलेटेड एक बहुत ही बढ़िया सा उनकी जो परसेप्शन, उनकी जो सोच है बहुत ही टचिंग, आपके भी दिल को छू लेने वाली है उनकी सोच, तो वो उन्होंने इस पोयम में आपसे शेयर किया है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। दिस मॉर्निंग द ब्यूटिफुल वाइट हेरोन वॉज फ्लोटिंग अलॉन्ग अबव द वॉटर। तो सुबह का समय है और इस सुबह क्या देखा है उन्होंने, एक बहुत ही खूबसूरत सा हेरोन है, जो कि यहाँ पे आप इमेज में देख पा रहे होंगे हेरोन जो ये पंछी है। तो ये क्या कर रहा है, पानी के ऊपर तैर रहा है, फ्लोटिंग कर रहा है। एंड देन इन टू द स्काई ऑफ दिस द वन वर्ल्ड वी ऑल बिलोंग टू। और वो क्या उस आसमान में उड़ रहा है जिस दुनिया से, उसी एक दुनिया से हम भी बिलोंग करते हैं। तो इनको ये बहुत अच्छा लग रहा है कि उसी दुनिया में वो पंछी भी उस नेचर को इन्जॉय कर रहा है जिससे हम इन्जॉय कर रहे हैं। तो यहाँ वो बता रहे कि हम सब एक दुनिया से हैं, तो ये उनको बहुत ही अच्छा लग रहा है ये सोच के कि यहाँ पे वो पंछी जो है उसी आसमान में उड़ रहा है जिस आसमान को हम देख पा रहे हैं, जिस आसमान को हम इन्जॉय कर रहे हैं। वेयर एवरीथिंग सूनर और लेटर इज अ पार्ट ऑफ एवरीथिंग एल्स, जहाँ सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। आज कल जो भी चीज़ें हो रही हैं, मतलब सब हम एक दूसरे से रिलेटेड हैं, क्योंकि हम सब एक दुनिया से ही बिलोंग करते हैं, हम कोई अलग दुनिया से बिलोंग नहीं करते। तो ये सोच जो है उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि इसी दुनिया में ये पंछी, जानवर और मतलब जो भी चीज़ें हैं और हम भी हैं, तो एक साथ हम इस नेचर को, प्रकृति को इन्जॉय कर रहे हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये पोएट ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पे। विच थॉट मेड मी फील फॉर अ लिटिल वाइल क्वाइट ब्यूटिफुल माई सेल्फ। और ये जो सोच है ना, एक खूबसूरत सा सोच कि हम सब एक दुनिया से बिलोंग करते हैं, एक ही दुनिया में है, तो ये सोच जो है ये मुझे बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग दे रहा है, बहुत अच्छा मुझे लग रहा है ये सोचते हुए। और साथ ही में उन्हें ऐसा लग रहा है कि कितना खूबसूरत हूँ मैं, मतलब वो अपनी भी तारीफ कर रहे हैं यहाँ पे कि मुझे ये सोच जो है इतना खूबसूरत बना दे रहा है प्रकृति में, जो हम सभी चीज़ एक दूसरे के साथ हम एक ही चीज़ को एंजॉय करते। तो बस ये एक सोच था, जो एक बहुत ही अच्छा सा सोच था जो उन्होंने हमसे शेयर किया है। आई होप आप भी इस सोच से, इस छोटी सी सोच से रिलेट कर पाए होंगे। और बहुत ही छोटा सा पोयम था, आई होप आपको ये पोयम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आपके पोएट नेम थे मैरी ओलिवर। तो बाकी के चैप्टर देखने के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट से आप बाकी के चैप्टर्स भी मेरे ही चैनल पर पढ़ सकते हैं। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।